हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एमएस एक्सेस में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म का क्या यूज है और रिकॉर्ड्स में हम कैलकुलेशन कैसे लगा सकते हैं। कैलकुलेशन की कई वीडियोस मैं पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन ये वीडियो फॉर्म को लेकर के है कि फॉर्म में हम किस प्रकार से हम कैलकुलेशन अगर करते हैं एमएस एक्सेस में, तो फॉर्म में किस प्रकार से एक कैलकुलेशन हम करेंगे, एक बार फॉर्मूला लगा दिया तो सारे फॉर्मूलाज उसी के आधार पर सारे डेटाज में चेंजिंग आ जाती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एमएस एक्सेस का 2007 वर्जन है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ मैं ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद अब हमें यहाँ जाना है व्यू पर, और व्यू के बाद डिजाइन व्यू पे जाना है। यहाँ टेबल वन को कोई नाम दे देता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं तो यहां इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट आईडी, ये दे दिया हमने, इसको मैं ऑटो नंबर रहने देता हूं। स्टूडेंट नेम, ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। अब इनका हिंदी में नंबर, ये नंबर डेटा टाइप होगा, यहां नंबर लगा देंगे। उसके बाद इंग्लिश में नंबर, तो ये भी नंबर डेटा टाइप होगा। इसको हम अभी चेंज करते हैं, पहले जल्दी जल्दी मैं नाम एंटर कर लेता हूं, फिर चेंज करते हैं इसको। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, बस हमारा काम हो चुका है। हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इसमें एंटर कराने हैं, तो अब इन सबको नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको नंबर बना लिया, यहाँ से इसको नंबर बना लिया, और यहाँ से भी इसको नंबर बना लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे ऑब्टेंड मार्क्स। पुराने कैलकुलेशंस में जैसा मैंने सिखाया, बिल्कुल वही तरीका, ऑब्टेंड मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज, ठीक है। और यहां पे एवरेज कैलकुलेट करने के बाद यहां डीओबी, डेट ऑफ बर्थ हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां डीओबी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी होगा, और यहां पे हम चाहे तो स्टूडेंट का फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें लगाने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम कई सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाएंगे इसमें। तो अब हम जाएंगे व्यू पे और आ जाएंगे डेटा शीट व्यू पे, तो हम देखेंगे कि हमसे सेव करने के लिए कहेगा पहले। ये देखिए, यहां सेव करने के लिए बोल रहा है, तो यस कर दीजिए आप। यहां पे देखिए इंग्लिश शायद दो बार आ गई है, इसको हटाएंगे हम। यहां पे बायोलॉजी लिखेंगे, ये चूंकि प्राइमरी की है, ये जो चाबी सी दिख रही है ये प्राइमरी की का प्रतीक है, और अगर प्राइमरी की में सेम नाम दो बार आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए डेटा शीट व्यू पे क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ दिखने में ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको रिसाइज करते हैं, इसको बोल्ड बनाते हैं और थोड़ा बड़ा। तो यहां पे क्लिक करिए ताकि ये रिसाइज हो जाए। यहां पे क्लिक करूंगा, ये सही हो जाएगा। अब यहां पे जो भी हम स्टूडेंट आईडी एंटर करेंगे, मतलब हम तो इसको ऑटो नंबर रख चुके हैं, तो 1, 2, 3 के फॉर्म में ही आएगा। स्टूडेंट का जो भी नाम होगा, जो भी कुछ होगा, इनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जैसे ऑप्टेन मार्क्स का कैलकुलेशन है, एवरेज का कैलकुलेशन, और फिर फॉर्म बनाने की बात है, ये सारी बातें हैं। तो चलिए इसको हम क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और ऐड करते हैं इसको। और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑप्टेन मार्क्स, एवरेज, बीओबी, इतना सारा एंटर कराने के बाद हमें क्या करना है,
यहाँ ऑप्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है, पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, शिफ्ट दबा करके कोलन का निशान लगा दीजिए, ये दो बिंदु जैसा निशान जो दिख रहा है पॉइंट वाले, इन्हें हम कोलन कहते हैं। एल के ठीक बाद वाला बटन आप शिफ्ट के साथ दबाइएगा, एल के ठीक बाद वाला बटन आप शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो ये निशान आ जाता है। चलिए अब यहाँ ब्रैकेट बनाना है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लिखा होगा। अच्छा एक चीज और हमें ध्यान देना है, यहाँ पर हमने डेटा टाइप जो डिसाइड किया है डीओबी के लिए वो क्या डिसाइड किया है वो भी देखना जरूरी है। पहले इस कोलन को मैं हटाता हूं और आते हैं हम वापिस डेटा शीट व्यू पे और फिर आते हैं डिजाइन व्यू पे। यहाँ पे डिजाइन व्यू पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा डेटा शीट व्यू है और ये हमारा डिजाइन व्यू है। तो यहां पर जो डीओबी लिखा है, यहां पर नंबर डेटा टाइप आ गया है, इसको हमें बनाना है डेट एंड टाइम। यहां पे देख सकते हैं आप डेट एंड टाइम दिया हुआ है, ये बना दीजिए आप बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो काम आप कर रहे थे उसको आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहां पे क्रिएट पे आते हैं, क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और इसको इंसर्ट करा लेते हैं बारी बारी से करके। स्टूडेंट नेम हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑप्टेन मार्क्स, एवरेज और यहाँ लास्ट में डीओबी। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑप्टेन मार्क्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए और यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो लाइन बाय लाइन से वो सारे नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हिंदी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस का निशान लगाइए, इंग्लिश, प्लस का निशान लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके फिर ओपन कीजिए। इंग्लिश के बाद फिजिक्स है तो फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद अब क्या बचा हुआ है, केमिस्ट्री के बाद है लास्ट में बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी कर देंगे यहाँ पे प्लस लगाने के बाद, यहाँ बायोलॉजी ये कर दिया हमने। अब इसको बंद करना है, अब यहाँ एवरेज कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पे दो बार लग गया है, इसको हटा देता हूँ मैं, एक ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे करेंगे, तो वही कोलन लगा दीजिए और कोलन लगाने के बाद एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का जो ऑप्टेन मार्क्स जो आएगा ना, ऑप्टेन मार्क्स बटे सब्जेक्ट कितने हैं, गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच, पांच सब्जेक्ट हैं। तो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो इसको 500 नंबर से डिवाइड कर देंगे जो ऑप्टेन मार्क्स है ना। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं, यहां लिखता हूं ऑप्टेन्ड मार्क्स बटे 500, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहां डीओबी की बात है तो डीओबी वहीं से हम एंटर कर लेंगे जब हम नंबर एंटर कराएंगे। अब यहाँ ओके पे क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे हम अब आ चुके हैं। अब हमको सिर्फ स्टूडेंट नेम, अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखता हूँ मैं रमेश। ठीक है, अब उसके हिंदी में मार्क्स लिखता हूँ 55, इंग्लिश में मार्क्स लिखता हूँ 44, फिजिक्स में लिखता हूँ 45, केमिस्ट्री में लिखता हूँ 47, बायोलॉजी में लिखता हूँ 56। अब यहाँ देखिएगा ऑप्टेन मार्क्स अपने आप आएगा, ये देखिए ऑप्टेन मार्क्स। ओहो एवरेज गड़बड़ हो गया, जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट से हमें डिवाइड करना था और हमने यहाँ गलती कर दी। तो चलिए आइए इसको सुधार कर लेते हैं। ये एवरेज है, यहाँ 500 से ना डिवाइड करके हमें डिवाइड करना था 5 से, तो हमने 500 कर दिया गलती से, इसको 5 से जितने सब्जेक्ट हैं उसी संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करना था, तो ये गलती हुई थी हमसे। अब इसको रन करवा दीजिए, अब ये आ गया है। अब यहाँ डीओबी लिखना है, तो यहाँ देखिए डीओबी, जैसे ही मैं इधर आ रहा हूँ आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ डीओबी पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक मिनट, तो ये कोने में जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये कैलेंडर आ जाएगा। अब जैसे डीओबी किसी का हो 13 जून 2000, जो भी हो, यहाँ पर मैं 1995 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डीओबी हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है,
ये डबल क्लिक करिए, रिसाइज हो जाता है इसको। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे ये 5 है, ठीक है। अगर हमें आगे जाना हो तो ये रोल नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसके आगे नहीं है, पीछे जाना है तो यहाँ से पीछे जा सकते हैं, 4, 3, 2, 1। तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें बटन बनाना है तो व्यू, डिजाइन व्यू पे जाएंगे और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे कर दूंगा ताकि हम बटन बना सकें यहाँ पे। तो अभी ये बटन पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। अब ये बटन तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब इसमें कह रहा है कि आप ये बटन किस लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। हमें पिक्चर नहीं चाहिए, हम इस पर टेक्स्ट कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड ही रहने देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और ये कमांड 21 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये लिख करके और यहाँ से फिनिश करूंगा इसको, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हम अब नेक्स्ट रिकॉर्ड लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके इसका कलर आप बदल दीजिए यहाँ से। से इसको वाइट कलर रखता हूँ मैं और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ से पहले टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हमने क्रिएट करा लिया। अब इसी तरह से इस बटन को बड़ा करना है तो यहाँ से खींच करके आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जब ऐसा एरो बने तो यहाँ से खींच करके इसको आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज 14 कर देता हूँ मैं, तो ये काफी बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने का तो बटन हमने बना लिया, अब हमको प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो उसके लिए बटन क्रिएट कराएंगे। तो बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ बना दीजिए एक और बटन, ये आ गया बटन। अब हमें प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने के लिए ये बटन ओके करिए और टेक्स्ट लगाइए यहाँ पे और नेक्स्ट करिए, फिर यहाँ पे ओके करिए। अब यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का बटन है तो यहाँ प्रीवियस रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा हमें, बटन तो क्रिएट हो गया हमारा। तो यहाँ मैं जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड पहले से लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ने लगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि इस वाले बटन के लगभग में आ जाए, आ गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसकी साइज को 14 कर देते हैं, 13 करेंगे या 12, चलिए ठीक है। ये हो गया प्रीवियस रिकॉर्ड और नेक्स्ट रिकॉर्ड। यहाँ से इसको बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, तो ये जो रिकॉर्ड है ये भी बड़ा हो जाएगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया हमने और ये 12 को बनाएंगे 14। तो देखिए ये नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड दोनों हमने क्रिएट करा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें जो बटन बनाना है वो रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन पर क्लिक कीजिए। रेडियो यानी ऑप्शन बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप बटन क्रिएट करा लीजिए। ऑप्शन बटन आ गया यहाँ पे, इस पर हटा दीजिए। अब मेल फीमेल की बात आती है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेल, या तो कोई व्यक्ति मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो यहाँ मेल लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया फीमेल, तो यहाँ फीमेल के लिए एक बटन अलग से क्रिएट कराना होगा। इस पे क्लिक करके इसको हटा देता हूँ, ये है हमारा, इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसको लेके आता हूँ, और यहाँ पे फीमेल लिख देंगे, तो ये मेल और फीमेल दोनों का बटन हमने क्रिएट करा लिया, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कलर भरना चाहे तो कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं भर देता हूँ, यहाँ से देखिए ये कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर वाइट बना देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर भी हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर भी वही काम, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर व्हाइट। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये बटन बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला जो बटन है ना, वो बटन है हमारा, यहाँ पे देखिए ये एक बटन दिया हुआ, टिक का बटन, चेक बॉक्स का बटन, ठीक है। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं या फिर आप किस किस सब्जेक्ट में डिक्टेंशन पाए हुए हैं, उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये बटन क्रिएट कराते हैं, ठीक है, करा दिया हमने। अब ये चेक लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ चेक जिस जिस सब्जेक्ट में इनका डिक्टेंशन है, डिस्टेंशन, वहां पे मैं लिखता हूँ HIND, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब फिर दूसरा, तो यहाँ पे क्लिक करके और फिर हटाना होगा इसे, इंग्लिश, फिर यहां क्लिक करेंगे, नया बटन बनाएंगे, और इंग्लिश के बाद यहां पे दे देंगे फिजिक्स, फिर दे देंगे अगला केमिस्ट्री, CHE यहाँ पे डाल देंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ क्रिएट कराए हैं, और इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, बस। तो ये देखिए केमिस्ट्री, और एक और सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो यहाँ से क्लिक करके क्रिएट करा देते हैं बायोलॉजी का भी। यहाँ से ये चेक 36 हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे बायोलॉजी, तो ये सारे हमने बटन भी क्रिएट करा लिए। अब इनको कलर प्रोवाइड करने की बात है, तो यहाँ से कोई और भी कलर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही कलर। तो ये हो गया येलो कलर बैकग्राउंड का, यहाँ पे कोई कलर अलग देंगे हम, ये कलर दे दिया हमने, और टेक्स्ट का कलर वाइट रख दिया। यहाँ पर कोई दूसरा कलर देंगे, ये कलर दे देते हैं, और टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देंगे। यहाँ से पकड़ा हमने और टेक्स्ट का कलर कर दिया ब्लैक। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी यही काम, यहाँ से पकड़ा हमने और ये हो गया केमिस्ट्री, और ये लास्ट में बायोलॉजी, इसको भी एक अलग कलर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स, अब इन पर टिक या अनटिक करना आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप टिक या अनटिक कर सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि चेकबॉक्स भी हमने बना लिया है, ठीक है। इस तरह से करके हम चेकबॉक्स बना सकते हैं, कि मतलब ये सब्जेक्ट जो है हमने लिया है, इन इन सब्जेक्ट्स में हमने नंबर पाए हैं, ये भी दिखा सकते हैं, या फिर आपको ये दिखाना हो कि इन इन सब्जेक्ट्स का चयन हमने किया है, चूज हमने किया है, ये सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये चेकबॉक्स का मतलब, एक मतलब हमने समझाने की कोशिश की है, आशा है ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम फोटो ले सकते हैं, अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे अटैचमेंट बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है, तो देखिए ये हमारे पास ये बटन बने हुए हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड के। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ दूसरा, यहाँ देख रहे हैं आप, फिर क्लिक करता हूँ तो तीसरा। तो इस तरह से करके आप कस्टमाइज बटन बना सकते हैं, यहाँ DOB आप डाल सकते हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए इनकी DOB ये है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चलेंगे तो इनकी DOB ये हो जाएगी, यहाँ पे मैं अलग से एक DOB डाल देता हूँ 1994, ठीक है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस यानी पहले वाले रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, यहाँ मेल है कि फीमेल है यहाँ टिक कर सकते हैं आप, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, आप जो भी टिक करेंगे यहाँ पर टिक हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम फॉर्म बना सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी प्रीवियस रिकॉर्ड पर चलता हूँ, रमेश है, तो अभी मैं यहाँ पर रत्नेश सर्च करता हूँ, रत्नेश, तो यहाँ पे देखिए रत्नेश लिखा हुआ आ गया। तो ये तरीके हैं, एमएस एक्सेस इन सारे चीज़ों को अलाउ करता है। और अगर आप एक्सेस चलाने के आदि हो जाएंगे तो आप एक्सेल को भूल ही जाएंगे, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।